नौका विहार भेड़ाघाट में आपका स्वागत है। आने दो भैया, वेट करो, थोड़ा इंतजार करना, मजा लीजिए। आएगा मार्बल का साइट, ऑटोमेटिक बोलता है गाइड, अभी बैठो एकदम टाइट। ओके राइट, ये ना पानी पीने वाला है, पानी देखने में है ग्रीन, हाथ में लेने में क्लीन और पीने में बेहतरीन। नर्मदा ऑलवेज क्लीन, देखने में साफ और पीने में बसरारी का भी बाप। उस PWD ये अभी मार्बल देख रहे हैं ना आप लोग, ये अभी हल्का क्वालिटी का मार्बल है। ये मार्बल देख रहे हैं ना आप लोग, ये भी हल्का क्वालिटी का मार्बल है। ये इससे अच्छा मार्बल ना आगे पे है। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी चलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, आगे दिखाएंगे पेवर व्हाइट, वहीं चमकाना कैमरे की लाइट।
सामने वाले टापू पे देखो नेचुरल भोलेनाथ रखे हैं। आप लोग ना मानते हो तो जोड़ लीजिए हाथ आगे भोलेनाथ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, पार्वती मैया की, रोड में बैठने वाले भैया की जय हो। जय। हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो, जो नहीं जोड़ेगा हाथ उनके बाहर जाएंगे दांत हंसने के बाद। ये ना इतनी नदी से ना निकाल के स्थापित किया है, बढ़ता है महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से, घी तेल लगाने से एक तेल के बराबर राउंड देता है। अभी आप लोग ऊपर देखो झाड़, ऊपर है झाड़ नीचे है पहाड़, आप लोग कर रहे हो नौका विहार। क्या ना आता है मार्बल का साइट, ऑटोमेटिक बोलता है गाइड, अभी बैठो एकदम टाइट। ओके राइट निकी गाइड। ऊपर देखो झाड़ और नीचे है पहाड़, आप लोग कर रहे हो नौका विहार। आएगा मार्बल का साइट, ऑटोमेटिक बोलता है गाइड, अभी बैठो एकदम टाइट। ओके राइट। अरे कुछ नहीं है सर मैडम, झूठ बोल रहे हैं वो, पत्थर है ऊपर देखो, मच्छर नहीं है। बाबूजी आप लोग के यहाँ के बारे में जानकारी दें, सुनते चलना आप लोग। साइड से देखो लाइट ब्लू मार्बल, आसमानी कलर की ना चट्टाने, हल्का नीला लाइट है ब्लू, बोर्ड वाला करता है कमेंट्री शुरू। इस साइड देखा लाइट ब्लू, पलट के देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर का मार्बल ना काली मिट्टी लगने से काले हैं, तोड़ेंगे तो वाइट, फिर बोलते ना काले हैं तो क्या हुआ, वो आप ही लोग किले छोड़ा था। अच्छा बोलते हो, नदी की गहराई 220 फीट। ये साइड वाला मार्बल देख रहा नहीं क्या, मूर्ति वगैरह बनते हैं बाबूजी, दुर्गा काली गणेश, पर यहाँ से पत्थर टोना गोली चलाना नॉट अलाउड, ओनली फॉर सुसाइड अलाउड, कहीं से भी कर सकते हैं बोट छोर रोड से, जो बोट से करता उनको बचा लेते हैं, घाट में जाके ना बहुत मारते हैं। चटा चट साइड गड्ढे का हिंदी पिक्चर, शूटिंग का नाम प्राण जाएं पर वचन ना जाएं। यहीं पे आए थे सुनीदत्त प्रेमनाथ रेखा और सुनीदत्त ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका, देखो मारते मारते गड्ढा हो गया, फाड़ दिया था उसका चड्डा, फातर भी बैठ। रेखा मैडम के ना पैर के निशान देखते रेत में, अभी नहीं देखेंगे पर रात में देखते 12 के बाद, पैरों में ना जादू है उनके। गुलाबी कलर देखो पिंक मार्बल, हल्का सा पिंक, गुलाबी कलर मजाक के लिए बोलते, नहा धो के बैठी थी रेखा, साड़ी का कलर देखा उतनी जगह ना पिंक हो गई, साड़ी ना बंबई की थी कलर निकल गया, जबलपुर की होती फट जाती कलर नहीं जाता, कलर था कच्चा, मार्बल हो गया पक्का, देखने में लग रहा अच्छा। और भैया बैठे रेखा के चाचा ये पीछे जी सर, सामने देखो नेचुरल भूल भुलैया कन्फ्यूजन पॉइंट, गैस करो कैसा जाएगी नैया, लेफ्ट या राइट, और सही बताने वाले को ना बम्पर प्राइस, बहुत बड़ा इनाम है, बताइए कैसे चलेंगे अपन, लेफ्ट या राइट, राइट ले लो बम्पर प्राइस, जो बोलेगा सही उसको उतार देंगे यहीं। ये पीछे पे देखो आप लोग स्लेटी मार्बल लगा है, जो ना पहले की स्लेट पहाड़ियां बनती थी, पहले के ना बच्चे लिखते पढ़ते हो जाते थे पास, आजकल के बच्चे काफी खराब करते, मम्मी पापा को भी परेशान करते, मारते हैं नकल, नहीं आती है अकल, चलाते हैं मोबाइल तो बिगाड़ लेते सकल, फिर ना शादी हो जाती है तब आ जाती है अकल, क्या ना बीवी सुधार देती मार मार के, वो हमारे दोनों भैया लोग को आ गई है, शादी हो गया ना उनका। ऊंचा वाला पहाड़ देखो गोल्डन मार्बल, सेकेंड मूवी जलजला पिक्चर, धर्मेंद्र डेनी सत्तू घंसना जंपिंग पॉइंट, वरना बाबूजी वो जंप नहीं लगाते हैं, पुतले फेंके जाते हैं, वो जंप लगाएंगे तो पिक्चर में भी नजर नहीं आएंगे। पानी का डीप 350 फीट, 350 और जिसको विश्वास नहीं है उतर के देखे हीरो, वो भी 2 दिन में 00 है कोई हीरो। मजाक के लिए बोलते हैं तैरने वाले को तो 1000 फीट पानी कम है, मरने वालों को चुल्लू भर ज्यादा है,
जैसे ना श्रीदेवी एक टब में डब हो गई। शूटिंग चल रहा है भाई साहब, दिल धक धक करता है। आज लगेगी कभी नहीं देखेगी, पिक्चर का नाम है भाई। चालू कर दो उसको। ये बैक साइड देखो, जंगलों पे ना होटल बना है। ये पीछे पे देखो, व्हाइट बिल्डिंग, एमपीटी मार्बल रॉक्स होटल है। मोटल रुकने का 6090 टोटल, और फ्री मिलती है 2 बोतल। कुछ और नहीं समझना, पानी वाला बेसरी होटल ना सबके लिए नहीं है। जिसकी नई नई शादी होती है ना उसी को बुक कराते हैं, और दूसरी बार आते तो धर्मशाला दौड़ते हैं। ये देखो मार्बल में छेद, और छेद के लगाइए भेद। कैसे हो गए मार्बल में इतने सारे छेद? गैस करो, अंदाजा लगाओ, फिर मेरे को बताओ। आप लोग बताइए थोड़ा कैसे हो गए छेद? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पानी की मार से ना सॉफ्ट वाला मार्बल रहता है वो निकल जाता है, इसलिए गड्ढे गड्ढे हैं। क्या ना बरसातों में आ जाती है बाढ़, बंद हो जाता है नौका विहार। 15 जून से बोटिंग बंद, अक्टूबर में चालू, और बोट चला रहा है अपना कालू वो आगे। क्या ना 4 महीने के लिए बाबूजी बोटिंग बंद हो जाएगा। टॉप पे देखो पत्थर की कार, हिंदी में लिखा राजकुमार। ऊपर देखो एकदम टॉप पे देखा, हाँ। कहाँ है? उंगली नहीं करना, चालू हो जाएगी वो सेल पे स्टार्ट। अगला पहिया जैक पर है, कार पंचर, स्टेपनी नहीं, गाड़ी भी अपनी नहीं। राजकुमार की कार पड़ी है बेकार। क्या ना बाबूजी, जिनका नहीं रहता कोई काम, वही लिखता है पत्थरों में नाम, और सुसाइड करके हो जाता बदनाम। ये देखो करीना की ना चुन्नी टंगी है ऊपर झाड़ियों में, देखो ग्रीन वाली वो वहां सामने देखो, अशोका पिक्चर में आई थी। एक तो ना हमारे भैया लोग भी दे गए। साइड में देखो आप लोग, गिर हुए मार्बल, वहीं पे निकलते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ज्यादा नहीं है, 2 बड़े 2 छोटे, मम्मी पापा, 2 बच्चे, नेचर कंडीशन, लैटिंग बाथरूम अटैच। देखना है क्या मगरमच्छ? किसको देखना? हाँ मजाक के लिए बोलते हैं, जिसको भी देखना तो अपने बाजू वाले को ना उठा के फेंक दो, पर फेंकना उसी को जो सबसे ज्यादा गोरा है, काले को नहीं खाता है। इसलिए ना हम तीनों सेफ है, बोर्ड वाले हम दो हमारे दो, ज्यादा है तो फेंक दो। बैक साइड देखो नंदी बैल, पहाड़ी का सेब। ये बीच वाला रॉक देखो, ऊपर से नीचे पैर लग रहा पूरा नंदी बैल। जस्ट इमेजिनेशन, समझ गए तो आर्ट, नहीं समझे मॉडर्न आर्ट। और आप लोग घूम रहे भेड़ा घाट, वहां देखा नंदी। बोट के सामने देखो शंकर भगवान का पिंडी रखा नन्ना सा वाइट। सामने सामने वाले टापू पे देखो, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, पार्वती मैया की, करीना की। अरे कौन ने कर दीजिए। वाला सीन देखो आप लोग, ये साइड वाला ऐसा लगता है किसी ने छोटा बड़ा मूर्ति ना काट के फिट कर दिया। नेचुरल खजुराहो अजंता आर्ट, इसको देखना चांदनी रात में, फैमिली साथ में, फिर घूमना भेड़ा घाट में। और जिसकी नहीं फैमिली तो बोतल लाना हाथ में, वो भी चलती है रात में। पैक बनाते हैं आधा, गाना गाते क्या हुआ तेरा वादा, रहा नहीं जाता क्या रियाते साथ में। पहाड़ों पे देखो लाइट वगैरह लगा है, चांदनी रातों में ना बोटिंग चलता है। शरद पूर्णिमा साल में एक बार, अक्टूबर के महीने में, 8 से 12 घूमना हो तो आ जाना दोबारा। ये सामने वाला सीन दिया सर आवारा पिक्चर में, गाना होता ना रात काबू नरगेश, आवारा हूँ जिस गर्देश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। रात काबू नरगेश ने गाया था गाना, और दोनों ऊपर रवाना, वहीं मिलके गा रहे हैं गाना, पतली कमरिया मुरी हाय हाय। ये सामने वाला सीन निकाल लो बाबूजी आप लोग, अशोका पिक्चर में दिया है मोहनजोदाड़ो, और साथ में डंकी। ये सामने का पूरा शूटिंग है बाबूजी। बंदर कुंदी पॉइंट, ऊंचे वाले माउंटेन, 12 फीट की दूरी थी, कूद गए थे बंदर, अब कूदेगा बंदर, जाएगा 600 फीट के। अपन ना धुआंधार के पास आ चुके भैया, वो देखो सामने रेलिंग छतरी वगैरह दिख रहा ना, न्यू भेड़ा घाट गोपारा रेस्टोरेंट। पानी आने के लिए रास्ता है, बोर्ड जाने के लिए नहीं। जगह का नाम है स्वर्ग दौर, दौर में वैकेंसी नहीं है, दौर से वापस, इसके आगे जाएंगे सुबह दैनिक भास्कर में आ जाएंगे।